इधर देखिए भाई साहब हेलो क्या हम खोजो हैं देखो जी ना इधर देखो मास्क पहन रखो भाई भाई एक मिनट मैं ऋषिकेश वर्मा नेशनल जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस इंटक वर्कर आज एक मजदूरां दे प्रति जो उन्हां दे उत्ते अत्याचार हो रहे हैगे असीं उन्हां दे लई इत्थे अमृतसर दे विच आए हाँ साडे वरिंदर जी प्रेजिडेंट ने इंटक दे और असीं चाहुंदे हैगे हाँ कि जिहड़े मजदूर अपनी रोजी रोटी तो बेकार हो चुके हैगे आ रोजी रोटी लई उन्हां दा कोल काम कार नहीं पर सरकार ने उन्हां दे प्रति कोई भी अजे तक उन्हां नूं सवाए राशन तो कोई उन्हां नूं सहूलत नहीं दे मुहैया करवा रही असीं चाहुंदे हाँ कि उन्हां नूं जिहड़ी वित्त सहायता हैगी आ उन्हां दे सीधे अकाउंट 'च पा के दित्ती जावे तां कि उन्हां दा अपना जिहड़ा गुजारा हैगा आ उह कर सकन अगर ये साड़ी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो असी फिर उस संघर्ष नू अपने नू तिखा करांगे और सड़कां ते आवांगे ये सिर्फ COVID-19 करके असी सड़कां ते नहीं जा सकते असी तो सिर्फ बहुत छोटा जिहा इकट्ठ इत्थे इन्हां ने रखिया सीगा कि 2-3-4 बंदियां दा और सवाए प्रेस तो अलावा असी होर किसी नू बुलाया नहीं हैगा और इस तो अलावा असी कार्रवाई जी होगी अलग ही मजदूर के हक के लिए बिल्कुल करा अज पहला तो मैं ताड़ा सारे मीडिया भरावान मीडिया भरावान का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने साढ़े एक छोटे जे संदेश के उत्ते सारे इतने पहुँच गए हैं और दूसरी अज गल रही जिस करके असी अज इत्थे इकट्ठे होए हैं पहला तो मेरे नाल इंटेक वर्कर्स दे साडे राष्ट्रीय जनरल सैकटरी श्री ऋषिकेश वर्मा जी उन्हां नाल डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी साडे राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्हों का मैं इतने आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता वा तो नाल ही इन्हां नूं जी आया कहना ये साडे नाल जिहड़े इंटेक वर्कर दे नाल ये एक स्तंभ ने रीढ़ की हड्डी ने और इंटेक वैसे भी जिहड़ी है वह देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है मजदूरों के लिए ये हर वेले खलोती रहती है अज जिहड़ा असी मेन मुद्दा जिहड़ा असी चुक के लिया इंटेक वालों इंटेक वर्कर्स वालों साडा मेन मुद्दा यह हैगा असी जिहड़ी मोदी सरकार है उहनूं असी दसना चाहते हैं कि पिछले टाइम के लॉकडाउन के जी महामारी COVID-19 ये दौरान जो कुछ भी मजदूर भरावान से साडे मजदूर भरावान से जो कुछ वापरिया बारे असी मोदी सरकार BJP सरकार केंद्र की सरकार अं चानना करवाना चाहते हैं जानते हो भी ने सारे चंगी तरह पर उन्होंने वाल जे मजदूरों के वाल ध्यान कोई नहीं दे रहा पहली तो गल लॉकडाउन के आप सुनिया कि मजदूरों को फ्री राशन दिता जाऊगा जी वो जो आप इस गल के उत्ते आई है जी तुम भी जानते थे सारे जने चंगी तरह जानते हैं कि जोड़ा राशन आ सरकार के नुमाइंदे तो कहें जी 80 करोड़ लोगों मिले
पर सरकारी जोड़े डाटे आते 10 करोड़ नूं। पर जे सही डाटा जोड़ा वो ये है कि टोटल 2 करोड़ लोगों जोड़ा वो राशन मिलया। पर मैं एक होर गल सवाल इस गल के उत्ते करना चाहना कि जोड़ा मैं एक गल दसी जाए कि 5 किलो चौल या 5 किलो जी कणक आ 1 किलो दाल आ गल हफ्ते हैगी है कि महीने की हैगी है। एक महीना जो आदमी ने क्ढना किस तरह क्ढेगा। केंद्र सरकार ने तो सीधा एक कम रख लिया जी साढ़े को पैसा नहीं है खजाना नहीं है जी। पर मैं उन्होंने ये चीज़ पूछना चाहना जोड़े व्डे घर आना करजे माफ करी जाते वो पैसा तेरे को आ रहा जहाज तुम मुल खरीद रहे जे वो पैसा कितों आ रहा। पहला सानू वेखना चाहिए अपने गरीब मजदूरों जेड़े देश में चुक के लैके जाते हैं उन्होंने उत्ते ही सारा कुछ निर्भर है। और जी डी पी की गल करिए जी डी पी की गल पिछले दिन ही ये डाटे तुम मैं दसन दिया जेडे बैंकों के अपने डाटे है। HDFC बैंक ने 26% के लागे क्या कि जी जी डी पी की ग्रोथ जी डिगती है जिनी हैगी 26% डिगती है। इसे तरह यस बैंक ने कहा सारे बैंकों ने प्राइवेट जिन्हें टोटल जी सब तो घट कटाई है वो एक बैंक ने कटाई कि 16% GDP डिगती है। वह मतलब की है कि साडा देश बहुत ज़्यादा थले जा चुके और इनू उठा कौन सकता उठा साडे मोदी जी उठा सकते हैं क्योंकि देश की इस वेल सरकार वो चला रहे हैं। सरकार ने नीतियां अपन बदलनिया पैनगियां वो नीतियां तद ही बदलिया जाएगी जो अभी वे किरानों फ्री देना बंद करा वो जो राशन है जो फ्री किरानों जो कुछ दे रहे हैं वो गरीबों चाहिए। हाँ पहली तो मंग ये हैगी मोदी जी को। दूसरी मंग ये कि जोड़ा मजदूर इस लॉकडाउन दौरान जिन्हें कारोबार बंद रहे फैक्ट्री मालकों ने उन्होंने कह दिता कि असं तुम कुछ नहीं दे सकते सरकार उन्होंने केंद्र सरकार उन्होंने खाते घट्टो घट 10-10 हज़ार रुपया हर महीने पावे जिनी देर तक ये लॉकडाउन चलता वा ये जी महामारी जिनी देर तक चलती है जो रोज़गार नहीं मिलता उन्होंने तो उन्होंने खाते पावे 10-10 हज़ार रुपया क्योंकि सरकार पा सकती है हर चीज़ हूँ आधार कार्ड के नाल जुड़ गई है। ये कहते हैं आधार एक बंदे के 4-4 अकाउंट खुले ने आधार कार्ड बोलता कि ये 4 अकाउंट खुले ने एक खाते के पैसे पा दो जे तुम 500-500 रुपया पाओगे तो 500-500 रुपये ना वह कुछ नहीं बनेगा वह तो फिर करोना ही लैन जाएगा बैंक के बाद लाइन से खलो के वो भी यो कुछ ही रहा। दूसरी गल ये जी कि मजदूरों जो पंजीकरण है वह जरूरी किया जाए निजीकरण जोड़ा इन्होंने किया वा एक की कर रहे हैं मजदूरों का जोड़ा एक तो ड्यूटी वो जी 12 घंटे कर रहे हैं दूसरा वो ठेकेदारी के उत्ते सारा कुछ कर रहे हैं कि घंटे के हिसाब न पैसा मिलेगा वो भी गलत है। जो सारी दुनिया का संविधान है सारे ना हिंदुस्तान का संविधान है वो यो है कि 8 घंटे ड्यूटी हो बाकी जो 4 घंटे या 2 घंटे टाइम लगता वह ओवर टाइम डबल दिता जाए। दूसरा एक होर असी मंग रखी सी जी हाड़ी मेन मंग है कि मजदूर की तनखाह जी है वो घट्टो घट 18,000 रुपया होनी चाहिए। तुम मैं ये दसो मैं मोदी सरकार को सवाल करता वा कि 10,000 रुपया तनखा लैन वाला बंदा वो अपने बच्चे पढ़ाऊगा दुध लूगा घर का किराया दूगा राशन लूगा की करूँगा। गैस तुम महंगी करके रखती 400 रुपये वाला 350 रुपये वाला सिलेंडर अज 800 रुपये मिल रहा वह बोझ कि पै रहा मजदूर से पै रहा व्डे आदमी तो किसी नहीं पै रहा। जे अज जे आप करिए लॉकडाउन के एक चीज़ सूँ यह नहीं समझ आई कि महंगाई घटती होंगी है जो बाजार के लैन वाले घट जा उदो महंगाई घटती है पर इतने उलट काम चल रहा कि महंगाई बढ़नी शुरू हो गई खरीददार घट ने और महंगाई बढ़ रही है। वह रीज़न की है कि सारा कोई व्डे किराने ने अपने हाथ के लै लिया ये चीज़ा जी बंद कर चाहिए सूँ जिन्ना लघु उद्योग जरा जिनी देर अभी शुरू नहीं करते उन्नी देर तक हिंदुस्तान अपने पैरों के उत्ते नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि असी जानते हैं जो कुछ इन्होंने किया मोदी सरकार ने 17 साल का जो कुछ भी सब कुछ ही खत्म करके रख दिता। और हाँ एक होर मंग है जी सब तो जरूरी मंग है मजदूर की कि जे किसी मजदूर नौकरी के दौरान मिसहैपनिंग हो जाती उसकी या डैथ हो जाती उसकी जो बीमा घट्टो घट 10 लाख रुपया किया जाए ता कि मगरों वो मगरों वह परिवार थोड़ी बहुत रोटी तो खा सके। 3 लाख रुपया या 2 लाख रुपया तुम इंश्योरेंस करते जे वो 2 लाख रुपया जो बैंक भी जमा करा वह साल का ब्याज मिलना उन्होंने 1200 रुपया वो रोटी खा लूगा की कर लूगा ये 10 लाख रुपया होगा कुछ नहीं 5-6 हज़ार रुपया उन्होंने ब्याज मिलेगा कोई रोटी खा लूगा कोई घर बार चला लू किसी ना किसी तरह औखे तुके होके। और जी हाँ असली
मेन मकसद साडा यही है। असी जिहड़ा केंद्र सरकार नूं इह चानन करवाना चाहुंदे आ कि जिहड़ा रीढ़ दी हड्डी है मजदूर उहदे उत्ते की बीत रही है। ये जिहड़ा तुहानूं मैं जिहड़ी सब तो जरूरी गल है ये तुहानूं मैं दस दवां, ये जिहड़ी मुहिम आ साडी कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के संगठन जिहड़े असंगठित संगठन जिहड़े उन्हां सारिआं ने इह रल के असी इक मुहिम शुरू कीती। प्रधानमंत्री नूं इन्हां चीज़ां तो जाणू करवाया जाए ता कि उन्हां नूं ये पता लगे कि गरीब मजदूरां दे उत्ते की। और दूसरा जिहड़ा अहीं सब तो वड्डी गल आ, असीं अज प्रधानमंत्री जी नूं मेमोरेंडम भेज रहे हाँ, उहदे उत्ते असीं अपना इहदे वल्लों इंटेक वल्लों लिखिआ होइआ सारियां अपणियां मंग पत्र जिहड़ा प्रधानमंत्री जी नूं भेज रहे हाँ, अहीं उहनां दे उत्ते लिखिआ होइआ सारियां अपणियां मंगां लिखियां होईआं। और ये जड़े कार्ड ने ये साडे मजदूर भरा जिहड़े सारे ये जड़े मजदूर भरा ने और साडे अहुदेदार ने जिन्हें इंटेक के अहुदेदार ने वो सारे इनू पोस्ट करनगे आपां अपने एड्रैसां दे उत्तों तां कि प्रधानमंत्री जी ने पता लग सके कि दुनिया का हिंदुस्तान का की हाल चल रहा। इस वेले इन्ना ही मैं तुहाडा सारिआं दा कहिंदा होइआ बहुत बहुत धन्नवाद करदा वां कि तुसीं इत्थे अपना आ के कीमती समा जिहड़ा ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। अच्छा मैंने एक गल ये दसूँ कि पंजाब सरकार वालों जोड़े ने सारे प्रोग्राम रद्द किए गए हैं कोविड-19 के चलते हैं, पर तुम इन्ना वाला कट करके बैठा नहीं कट नहीं अही जी ये इतने सारे आप इतने कट्ठे हुए हैं असी इतने वो 6 या 7 जने जड़े असी ये प्रेस वाले आए हैं क्योंकि प्रेस जी अही इतने की करके जो संदेशा गया वो करके असी 5-6 जने हैं असी पहला ही साढ़ा यो ही कि अही इनू कोविड-19 मुद्दे नज़र रख के जिहड़ा असी ये प्रोग्राम किया जो भी किया। नहीं असी तो अपने हिसाब से जिहड़े जी 6-7 बंदे जिहड़े अही इकट्ठे किए हैं क्योंकि जिहड़े जरूरी वाले दो साढ़े प्रधान बाहरों आए ने इन्हों का भी जी आए नूं क्योंकि उन्होंने जो पता लगा साढ़े बंदियां नूं कि साढ़े प्रधान आ रहे हैं तो उन्होंने भी असी जिहड़े साढ़े बाकी के प्रधान आ रहे जिले के उन्होंने अभी मना नहीं कर सकते क्योंकि वह तो कल आए हैं ना।